हमीरपुर पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की संयुक्त कार्यवाही ने एक बड़ी शराब माफिया का पर्दाफाश कर दिया है। संयुक्त टीम ने सुबह 8:30 बजे भोटा के करीब मोरसू में 2 ट्रालों से करीबन 13 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। शराब का यह अवैध कारोबार सोलन से चलता है, जिससे अंजाम देने वालों में बिलासपुर जिला के कुछ लोग शामिल हैं। सोलन से लाकर इस शराब को हमीरपुर और बिलासपुर समेत अन्य जगहों पर ठिकाने लगाया जाता है। सोलन से खेप लेकर चलने वाली गाड़ियों के 4 से 5 किलोमीटर आगे तक प्राइवेट एस्कॉर्ट के तहत वाहन मिलते थे। सक होने पर इन गाड़ियों के रूट में बदलाव किया जाता था। हैरानी वाली बात यह है कि 3 जिलों से गुजरने वाले इन वाहनों पर एक्साइज और पुलिस विभाग की पहले कभी नजर नहीं पड़ी। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा, डीएसपी रेणु शर्मा, एसएचओ जगदीश चंद और एसआईयू टीम के प्रभारी ने कहा कि पुलिस को कई दिनों पहले सूचना मिली थी कि हमीरपुर जिले में बाहरी जिले से अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। उन्होंने बताया कि 13 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने 187 पेटियां अंग्रेजी शराब जब्त की है। सुबह 8 और 9 के बीच में हमने ये एनएच पे का काफ़ी बड़ी खेप पकड़ी, जिसमें 4,332 बोतलें अद्दे और पौवे इंग्लिश शराब के पकड़े हैं। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ये चारों ही बिलासपुर से संबंधित हैं, बिलासपुर के रहने वाले हैं। और 2 गाड़ियां पिकअप ट्रोले हमने इसमें सीज किए हैं। ये शराब की खेप जहाँ तक अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, उसके हिसाब से ये लोग सोलन से लेके आए हैं और यहाँ हमीरपुर जिले में ही विभिन्न स्थानों पर इनको बांटनी थी। तो इसमें हमारी जो एसआईयू की टीम थी, उसने पिन पॉइंट उनको सूचना मिली और उसके आधार पर इनको गिरफ्तार करके ये पूरा माल सीज किया गया है। निश्चित रूप से बड़ा गिरोह है, करीबन 12 लाख से अधिक की ये शराब है जो इसका बाजार का मार्केट है, मार्केट रेट के हिसाब से। तो ये बड़ा गिरोह है, संगठित है और हमारी पूरी कोशिश रही कि जैसा राज्य सरकार और पीएचक्यू की भी एक विशेष मुहिम चली हुई है इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड माफिया के खिलाफ, तो उसी की एक कड़ी में ये आज हमने ये बड़ा सीजर किया है। बता दें कि ये शराब जिस ट्राले से बरामद की गई है, उसे चालक विनोद कुमार निवासी गामरी डाकघर बड़गाम तहसील झंडूता जिला बिलासपुर चला रहा था। दूसरे मामले में 174 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे ट्राला चालक अश्विनी कुमार निवासी गाम बग मरहाना डाकघर मरहाना तहसील घुमारमी जिला बिलासपुर चला रहा था। पकड़े गए दो अन्य आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार निवासी गांव भगतपुर सातलाई बिलासपुर और राजकुमार गांव पीरथान झंडूता बिलासपुर के रूप में हुई है। करीब 4,000 से अधिक विस्की और रम की बोतलों का आरोपी कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर पाया।